हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपके अपने अर्थ न्यूज़ चैनल में मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जो दिखाने जा रहे हैं ना, ऐसी वेस्ट चीज़ों को दिखाने जा रहे हैं जो आप ना कबाड़ी को दे सकते हैं ना उसको फेंक सकते हैं अगर आपके पास सरप्लस है। इस तरह के कंटेनर देखिए, एक कांच का कंटेनर है और कुछ इस तरह टिन के कंटेनर होते हैं जो बिल्कुल यूजलेस होते हैं और जिनको हम कबाड़ी को भी नहीं दे सकते और फेंक भी सकते। तो आइए ऐसे कंटेनर से बनाते हैं प्यारे प्यारे DIY। जी हाँ, देखिए दोस्तों, सुंदर सुंदर DIY बनाएंगे, आज आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बॉल के अंदर जो इसमें हम मिक्सअप कर रहे हैं, ये दोस्तों POP है। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। ये देखिए, ये घुल जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप घोल के लगाइए, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है, फिर ये काम का नहीं होता, वेस्ट हो जाता है। देखिए, मैं बोतल पे मैं इसको लगा रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा फेविकॉल भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे ये स्टिक अच्छी तरह होएगा, किसी भी सरफेस पे जल्दी से स्टिक हो जाएगा। वैसे स्टिक तो वैसे भी हो जाता है, पर ये और जल्दी स्टिक होएगा और सूखने में भी थोड़ा सा टाइम लेगा, जल्दी नहीं सूखेगा। देखिए, मैंने इस बोतल पे, अभी मेरे दिमाग में भी नहीं है कि मैंने कौन सा डिज़ाइन बनाना है, मैंने प्लान नहीं किया कि मैंने इसमें क्या बनाना है, बस मैं बनाता जा रहा हूँ। सडनली डिज़ाइन अपने आप बनेगा। मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि मैंने कोई प्लान नहीं किया। देखिए, मैं इस तरह से इस पर एक तरह से लाइन खींचता जा रहा हूँ और ये डिज़ाइन इस तरह से बना दूंगा। दोस्तों, आपने करना क्या है, इसको फटाफट यूज़ करना है, कम भिगोना है, कम मात्रा में भिगोना है, ताकि आप इसको शीघ्रता से यूज़ कर लें और सही टाइम पे इसको यूज़ कर लें, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा बना के आप इसको लगा के फिर दोबारा बना लीजिए। इसलिए मैंने इसको देखिए छोटे बोल में बनाया, कम मात्रा में बनाया। देखिए, मैं इस तरह से इसमें अभी डिज़ाइन बना रहा हूँ और आप देखेंगे अगला डिज़ाइन इसमें क्या बनेगा। दोस्तों, अभी आपको थोड़ा सा ये बोरिंग लगेगा, जब बनाते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, कहेंगे आप सोचेंगे कि यार क्या बना रहा हूँ मैं, आपके हाथ भी ख़राब होएंगे, थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब ये बन जाता है, जब इसका रिज़ल्ट आपके सामने आता है, वो कमाल का होता है, इतना बढ़िया लगता है देखने में, एकदम एंटीक लुक देता है, बहुत अच्छी लुक देता है। देखिए, ये इसमें हम एक फ्लावर का डिज़ाइन बना रहे हैं, सेम बोतल के अंदर बना रहे हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से बनता है, कैसा लगता है। लेकिन फाइनली हमने डिसाइड किया कि जो पहले मैं डिज़ाइन बना रहा था वही डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, इस पे ये फ्लावर का डिज़ाइन बनाने के बाद हम अपना दूसरा ही डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो देखने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो फ्रंट साइड में हम उसी को रखेंगे। दोस्तों, सूखने में बहुत कम टाइम लेता है, ये हार्डली 20 से 25 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो जाता है, पेंट करने लायक हो जाता है। और आजकल तो वैसे ही समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें आप जैसे जानते हैं कि धूप और हवा दोनों का मिश्रण हमारे को मिल जाता है और जल्दी सूखता है, हवा और धूप दोनों सुखाने में बहुत जल्दी सहायक होती हैं, और ये तो वैसे भी सूख जाता है। देखिए, मैंने किस तरह से इसको ये पॉइंट से बना दिए हैं इसमें, और मैं अभी चारों तरफ ही इस तरह के पॉइंट बना दूंगा। दोस्तों, देखिए, मैंने चारों तरफ पॉइंट बना के और इसको सुखा दिया, सूखने में हार्डली इसको एक घंटा भी नहीं लगा, और एक घंटा में बिल्कुल ये पेंट करने के लायक हो गया। अब देखिए, इसमें हमने पेंट करना स्टार्ट कर दिया है। पहले हमने इसमें ग्रीन बेस बनाया, ग्रीन बेस बना के ये जो इसके पॉइंट निकले हैं, इस पर मैं रेड ये पेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, पेंट मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ किस तरह का पेंट हम करते हैं, कैसा पेंट इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मेरे पास आपकी बहुत प्यारी प्यारी कमेंट्स आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। उसमें काफ़ी जो कमेंट्स होती हैं एप्रिसिएशन के लिए होती हैं, आप मेरी प्रशंसा करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, और इस तरह से मुझे कमेंट भेजते रहिए। हाँ, कमेंट के ज़रिए आप मेरे को शिकायत भी कर सकते हैं। देखिए, कितना सुंदर ये बन चुका है, कितना बढ़िया हमने बना दिया है, और बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, आप ये कह नहीं सकते कि ये बोतल के ऊपर हमने POP से बनाया। देखिए, दूसरा टिन का डब्बा है, ये भी कबाड़ी लेता नहीं है, और लेता है तो बिल्कुल फ्री में लेता है, और बिल्कुल वेस्ट जाते हैं हमारे डब्बे कंटेनर जो होते हैं। अब देखिए, इस पे भी हम पहले क्या करेंगे, इसके सरफेस पे ये जो POP का मिश्रण है, इसको हम सरफेस पे रब कर लेंगे, लगा लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फेविकॉल मिलाते हैं, तो फेविकॉल मिला देंगे तो बिल्कुल ये इस पे स्टिक हो जाएगा। हमने अभी फेविकॉल नहीं मिलाया, वैसे भी लग जाता है, बट आप चाहें तो इसे फेविकॉल मिला सकते हैं, तो और भी अच्छा काम करेगा। अब उसके बाद देखिए, इस मिश्रण को हमने बिल्कुल पतला बनाया है। दोस्तों, अब कैसे लगाते हैं इस मिश्रण को, देखिए इस पर कोई भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं, कोई भी फेस बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, बनने के बाद दोस्तों बहुत प्यारा लगेगा, जब आप बनाओगे तो बड़ा अटपटा लगेगा, बनाने में तो बोरिंग है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन बनने के बाद बड़ा मज़ा आता है। अब देखिए, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, अब इस पर हमने अपना डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया है। आप इसे फेस बना लीजिए, कोई फ्लावर्स बना लीजिए, किसी तरह के लीव्स बना लीजिए,
कोई डिज़ाइन बना लीजिए जो आपके मन में है, कुछ भी बनाएंगे सब अच्छा लगेगा, सब बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आपकी कमेंट्स की, आप मुझे किसी तरह की क्वेरी भेज सकते हैं किसी की चीज़ के रिगार्डिंग। जैसे कि मेरे पास कमेंट आई थी कि आपने लास्ट टाइम की वीडियो में बोतल के ऊपर क्या लगाया, तो मैंने उनका रिप्लाई तो कर दिया था, साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओ भी बोलते हैं इसको, ये किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाता है और बहुत सस्ता मिलता है, 30-40 रुपए में 1 किलो मिल जाता है आराम से। बल्कि आप लूज लाएंगे, पैकेट के अंदर नहीं लाएंगे, ब्रांडेड नहीं लाएंगे, तो 15-20 रुपए किलो मिल जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो बहुत जल्दी सेट हो जाता है और ये बड़े आराम से इस तरह कोई भी आप डीआईवाई बना सकते हैं, किसी तरह की शेप बना सकते हैं। देखिए किस तरह एकदम ये कितना उभरा हुआ लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें आप पीओपी से बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों, पेंट के लिए मेरे पास कमेंट आई थी कि आप कौन सा पेंट यूज़ करते हैं, कैसा पेंट यूज़ करते हैं। दोस्तों उससे पहले भी पेंट के रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी कमेंट आती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बारी में इस चीज़ का समाधान कर दिया जाए, इसलिए मैं खुद हार्डवेयर शॉप पे गया और वहाँ जाके मैंने वीडियो बनाया। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा पेंट के बारे में जान सकते हैं कि मैं कौन सा पेंट यूज़ करता हूं और कौन सा पेंट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों किस तरह से हमने फेस बना दिया है, फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। बना कुछ भी हो, फेस क्या है मुझे भी नहीं पता, बट देखने में अच्छा लग रहा है, हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाएगा तो समझ लो कि अच्छा है, और आपको पसंद आएगा तो समझ लो बहुत ही अच्छा है, फिर तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा, क्योंकि जिस तरह से टिन का डब्बा पड़ा था उससे तो मच बेटर हो गया है। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर ये बनता जा रहा है और इसमें हमारा खर्चा ना के बराबर है दोस्तों, सिर्फ हमने इसमें थोड़ी सी मेहनत दी है, ज़्यादा मेहनत नहीं दी, ये हार्डली 1 घंटे के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाता है। जो इसमें आपको सुखाने का टाइम है मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, वो एक्स्ट्रा लगता है, आपकी जो लेबर लगती है वो 1 घंटे की लगती है, लेकिन चीज़ कमाल की बन जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों इस तरह के शौक पालना बड़ी अच्छी बात है, हम इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, इससे बढ़िया है कि हम इस तरह के शौक पालें तो उसमें एक जीवन का अलग ही आनंद मिलता है, एक अलग ही अनुभूति होती है। दोस्तों आप प्लांट्स लवर हैं और गार्डनिंग करने के शौकीन और गार्डनिंग करते हैं पर इस तरह के डीआईवाई नहीं बनाते, तो दोस्तों बनाना शुरू कर दीजिए। जब बनाना शुरू करेंगे तो आपको कितना आनंद आएगा आप खुद देखेंगे, और जो लोग बनाते हैं वो इस आनंद को पहले से जानते हैं। दोस्तों इसके बनाने के लिए आपको कलाकार होना ज़रूरी नहीं है, आपको आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस एक शौक को अपने अंदर पालिए और उस शौक को इस जज्बे में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये खेल ही खेल में आप दोस्तों सब कर जाएंगे, और जब करेंगे ना तो आपको जो एक मज़ा आने वाला वो उसका स्वाद अलग ही होगा। दोस्तों सामने जो DIY बन चुका है ये, इसको आप एक प्लांटर स्टैंड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको आप प्लांटर के रूप में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें नीचे होल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें टिन का डब्बा है, कंटेनर है, बट इसमें होल बड़े आराम से हो जाते हैं, किसी भी आप नेल से बड़े साइज की कील से इसमें आप होल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप इसमें होल कर लेते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर प्लांट लगाना है तो उसके लिए होल करना ज़रूरी है, अदरवाइज जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन नहीं होगा, और एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन नहीं होगा तो आपका प्लांट मर सकता है। तो इसमें किसी भी प्लांटर में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो उसमें होल का होना बहुत ज़रूरी। देखिए दोस्तों अभी मैं इसको प्लांटर स्टैंड के रूप में यूज़ करूँगा, जिसको आप इनडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, हर जगह आपके शोभा बढ़ाएगा, आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएगा, आपके बालकनी गार्डन की शोभा बढ़ाएगा, या इनडोर लिविंग रूम के अंदर रखना है तो वहाँ की भी ये शोभा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, और ये हमने वेस्ट चीज़ को यूज़ भी कर दिया है। तो दोस्तों आपको अगर ये पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी कमेंट मुझे ज़रूर डालना दोस्तों, क्योंकि आपकी कमेंट के सारे मेरा हौसला बुलंद होता है और मैं आगे नई नई चीज़ें बना के आपको दिखाने के लिए उत्साहित होता हूँ। दोस्तों देखिए अब जो तीसरी चीज़ें बनाने जा रहे हैं, ये एक प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल से हम प्यारा सा हैंगिंग प्लांटर बनाएंगे, जो पहले भी मैंने एक दो बनाए हुए हैं वो मैंने वीडियो डाली हुई है, आपने शायद देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको किस तरह से काटा है, मैंने इसका पीछे का पॉइंट छोड़ दिया है और इसको हाफ से ज़्यादा मैंने कट करके ये देखिए ऊपर ये लीव्स इस तरह से काट लिए हैं, और ये लीव के जो कॉर्नर बचते हैं देखिए मैंने ऊपर से थोड़ा वाइडर काटा है, इसको अंदर थोड़ा नैरो कर दिया है, और जो कॉर्नर बचते हैं इस कॉर्नर को दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा रिशेप कर देंगे, तो इस तरह एक इसमें एक जैसे फ्लावर की जो पत्ती होती है उसकी एक लुक आ जाएगी। दोस्तों इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता, बहुत इजीली बनता है, बहुत जल्दी बनता है, कोई भी बना सकता है, कोई एक्स्ट्रा डिजाइनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा अपने आइडिया लगा के इसको बनाना है, आप देखना है थोड़ी सी देर में कितना प्यारा बन जाएगा। और हाँ दोस्तों पेंट के बारे में मैं फिर इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, देखिए मैं यूज़ करता हूँ प्लास्टिक पेंट यूज़ करता हूँ, इस पर इमल्शन पेंट लिखा होता है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, आपका जो इनेमल पेंट होता है उससे सस्ता आता है। देखिए अगर आपको कलर मिक्सिंग नहीं करनी है तो आपको अलग अलग कलर लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने रेड कलर दिखाया, ये देखिए व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर लेके आप देखिए इसमें ये जिस तरह से ये अलग अलग कलर होते हैं, आप कोई भी कलर बनाना चाहें उसमें मिक्सिंग कीजिए,
मिक्सिंग करके आप कलर बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि व्हाइट कलर है, व्हाइट में अगर आपको रेड चाहिए तो रेड में लाएंगे तो इसमें पिंक बन जाएगा, तो इस तरह के कलर आपको अलग से लाने पड़ेंगे ताकि वो बिल्कुल अलग से बनते हैं, वो मिक्स करने पे चेंज ना हो जाए। तो देखिए अब मैं इस तरह के अलग अलग छोटे छोटे स्टेनर बोलते हैं, इनको स्टेनर बोलते हैं, इसमें कलर होते हैं, कलर को हम वाइट पेंट में मिक्स कर लेते हैं, प्लास्टिक पेंट के अंदर मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल स्मेल फ्री होता है। अगर बच्चा भी उसके पास बैठ जाए तो उसको भी नुकसान नहीं कर सकता, बिल्कुल स्मेल फ्री होता है, बल्कि हल्की हल्की भीनी भीनी महक आती है इसमें, जैसे कि मिट्टी में से आती है। देखिए अब इसमें कोई भी कलर मिला रही है, अब देखिए मैं इसमें ब्राइट ग्रीन कलर मिला रहा हूँ, उसमें थोड़ा येलो मिक्स करना पड़ता है, मिक्स कर ले, जिस तरह आप कलर बनाना चाहे बना सकते हैं। और देखिए कलर बनाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, देखिए इसमें आइसक्रीम आती है, ये आइसक्रीम की एक सिरेमिक की बोतल है, देखिए उसका ढक्कन भी होता है, उसमें हम कलर को बना के रख लेते हैं ताकि वो आगे भी काम आए और सूखे ना, उनको हम शेडो के अंदर रख लेते हैं और आगे भी फर्दर यूज़ करते रहते हैं तो बड़ा चल जाते हैं वो। तो उन किसी भी कलर को आप बनाते हैं थोड़ा ज़्यादा बनाइए ताकि आगे भी आपके काम आ जाए, आप आगे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, वो महीनों महीनों नहीं सूखता अगर आप उसको ढक के रख देंगे। देखिए इस तरह से हमने इस पर पेंट करना शुरू कर दिया है। और देखिए ब्रशेज़ के लिए एक अलग से बोतल बना लीजिए, तीन चार कलर की, तीन चार साइज़ की ब्रशेज़ होती हैं, आप उसको पानी में डिप करते रहिए और यूज़ करते रहिए। ब्रशेज़ को पानी में डिप करके काम करने के बाद साफ़ करके रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज़ वो ब्रश आपकी ख़राब हो सकती है, सूख सकती है और दोबारा फिर जल्दी से ख़राब हो जाएगी और काम नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों मैंने इस पर बेस कलर ग्रीन करके, बेस कलर मैंने ग्रीन इसलिए किया कि मेरे पास ब्रश में एक ग्रीन कलर लगा हुआ रह गया था, तो वो धोना था तो वेस्ट ही करना था, तो मैंने उससे नीचे पत्तियों पे बेस कलर बना दिया, क्योंकि उससे क्या रेड कलर हम करेंगे तो उसको नीचे बेस मिल जाता है तो उसको डबल कोट नहीं मारना पड़ेगा, तो ग्रीन का बेस मिल गया, रेड उसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखिए नीचे ब्लू मार रहा हूँ। तो दोस्तों कलर बड़े आराम से कर सकते हैं, कलर जो डिटेल में मैंने बताया आप वो कलर लगाइए, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई नुकसानदेह नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरे कलर आते हैं वो स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत नुकसान करते हैं हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान करते हैं। देखिए अब मैंने जो इसका ढक्कन है, बोतल का ढक्कन है, इसमें मैं ये छोटा सीजर है इससे ही मैं इसमें होल कर लूँगा, तो मुझे इसमें सोल्डिंग आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इससे होल करिए, ज़रा ध्यान से करना कि हाथ में ना लगे। और देखिए पीछे इसको लगा दिया, अब इसके थ्रू ही मैं इसको हैंग करूँगा। अब देखिए मैं जो इसमें वायर ले रहा हूँ, ये इसको लेंटर की वायर बोलते हैं, एमएस वायर होती है, जो कि हार्डवेयर शॉप पे 60 से 70 रुपये या 80 रुपये किलो तक मिल जाती है। अब देखिए मैंने इसके थ्रू कर लिया है इसको, अब इसको देखिए मेरे जो ये गेट बना हुआ है ये बेम्बू से बना हुआ है, बांस स्टिक से बना हुआ है, अब इसके पीछे बांध देता हूँ। दोस्तों पहले मैं इसमें इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि बांधने के बाद जो इसमें मेरे को बाकी का काम करना है, बाकी की जो कलाकारी करनी है वो बड़ा इजीली हो जाएगी, क्योंकि ये होल्ड हो जाता है। देखिए किस तरह अच्छा होल्ड हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद जो इसमें बाकी का काम है हम वो कर देंगे। ये देखिए बाकी की पेंटिंग स्टार्ट कर दी, आप कोई भी कलर भर लीजिए, कोई भी आपके दिमाग में जो आप इमेजिन करते हैं, जो आपको पसंद है कलर वो कलर भरिए। जरूरी नहीं है कि फ्लावर का रंग अगर रेड है तो रेड ही आपने भरना, जो आपको पसंद है वो भरिए, जिससे आपको गार्डन अच्छा लगे, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप वो भरिए, वही कलर सुंदर लगे। दोस्तों कलर जो होता है, कलर अपनी अपनी पसंद से अच्छे लगते हैं, किसी को कोई कलर अच्छा लगता है, किसी को अगर सुबह मुझे कोई ग्रीन कलर अच्छा लगता है तो आप मे भी आपको रेड कलर अच्छा लग सकता है, या आपको दूसरा कोई कलर अच्छा लग सकता है, क्योंकि कलर अपने सोच और अपने हिसाब से अच्छे लगते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को व्हाइट शर्ट अच्छी लगती है, किसी को येलो शर्ट अच्छी लगती है, उसी हिसाब से कलर अपने फेवरेट होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने कलर कीजिए। देखिए इसमें हमने पेंट कर दिया है, अब देखिए कितना सुंदर लगता जा रहा है, कितना सुंदर हैंगिंग प्लांटर बन गया है। एक लीटर की बोतल थी ये, उससे मैंने बनाया है। अब इसको कोई कह नहीं सकता कि ये बोतल से बना हुआ, आप खुद देख रहे हैं कितना अट्रैक्टिव, कितना बड़ा फ्लावर इसमें बना है, ये पूरा जो आपकी हथेली की साइज़ का फ्लावर बना है। और इसमें हमने नीचे होल भी कर दिए, उसके बाद देखिए इसमें हम प्लांटर भी लगाएंगे। तो दोस्तों कबाड़ से देखिए कितना सुंदर हमने जुगाड़ कर लिया है, गार्डन तो हमारा सजता ही सजता है, कितनी खूबसूरत चीज़ें बन जाती हैं जो हम सोच नहीं सकते वैसी चीज़ें बन जाती हैं। देखिए कितना सुंदर बनाया ये, अब इसमें हम प्लांट भी लगा देंगे। प्लांट दोस्तों इसमें छोटा ही प्लांट लगेगा, तो छोटा प्लांट आप लगाइए, और इस तरह का प्लांट लगाइए जो ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा जिसकी हाइट ना हो, तो वो प्लांट इसमें काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, काफ़ी अच्छे चलते हैं, काफ़ी लंबे चलते हैं। और जब ज़्यादा बड़े हो भी जाएं वालों तो उसको दूसरे रीप्लांट कर दीजिए निकाल के। देखिए बड़ा हार्डी प्लांट है ये, अगेव का प्लांट है, सुंदर भी लगता है, और इसको आप जब मर्जी रीप्लांट कर लीजिए, देखिए देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो दोस्तों देखिए हमने आज आपको 3 DIY बना के दिखाए, तो आप बताना कि आपको कैसे लगे, और कमेंट मुझे ज़रूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, अगर लाइक नहीं भी करना है आपको अच्छा नहीं लगा तो कमेंट जरूर करना कि आपको इसमें क्या कमी नज़र। देखिए मैंने पहले भी इस तरह से हैंगिंग प्लांटर बनाया हुआ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और देखिए एक और दिखाऊंगा,
ये प्यारे प्यारे जो हैंगिंग प्लांट रहे सब बोटल से बने हुए, देखिए इसमें भी अगेव का प्लांट लगाया हुआ है, तो इसको हमने एंट्रेंस डोर पे अपने गार्डन के पे लगा दिया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, पसंद नहीं आता तो कमेंट तो जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जब भी आपकी कमेंट आती है दोस्तों, जब भी आप कोई क्वेरी करते हैं, जब भी कुछ मैसेज पूछते हैं, तो दोस्तों मुझे जवाब देना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे आपसे बातचीत करना बहुत पसंद है दोस्तों, तो उसको प्लीज़ कंटिन्यू करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। मेरा वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मैं दोस्त आर के दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में।